नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 5। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है तो आप इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिए, और सिंपल इंटरेस्ट को तो पूरा शुरू से आप देख लीजिए, ताकि सिंपल इंटरेस्ट अगर आप देख लेते हैं तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आना शुरू हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिंपल इंटरेस्ट से कोरिलेटेड है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पहले देख लेना चाहिए और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आपको देखना चाहिए। आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, हर चीज़ आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6,250 रुपया का 12,000 वार्षिक दर से एक बरस का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6,250 रुपया का 12,000 वार्षिक दर से एक बरस का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए, यहाँ मूलधन आपको दिया हुआ है 6,250 और रेट दिया हुआ है आपको 12% और समय दिया हुआ है आपको एक बरस। और कह रहा है अर्धवार्षिक माने छमाही, अर्धवार्षिक माने आधा बरस मतलब 6 महीना। तो देखिए, इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें टाइम और रेट हम नए सिरे से नया निकाल करके उसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप शुरू वाला वीडियो देखिए, यानी इंट्रोडक्शन क्लास, उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा हर चीज़। तो मैंने आपको बताया था कि यदि छमाही, तिमाही, चरमाही, पंचमाही इस तरह का जब क्वेश्चन हो, तो मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है छमाही, तो 12/6 कर दीजिए, तो यहाँ कट गया 2। यानी अगर आपका रेट है तो उसमें हम 2 से भाग देंगे, रेट रहेगा तो 2 से भाग, और टाइम रहेगा तो 2 से गुना कर देंगे उसमें, तो हमारा नया टाइम और नया रेट निकल जाएगा। अब उसी से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको रेट जो है उसमें हमने 2 से भाग कर दिया और हमने टाइम में 2 से गुना कर दिया, तो रेट आपका 12% था, 2 से भाग किए तो 6 × 2 = 12, यानी 12% रेट आ गया, और टाइम आपका एक बरस है तो 2 से गुना कर दीजिए तो 2 बरस आपका टाइम आ गया। अब जो रेट आपका 6 बरस आया है, चूँकि हमने ये भी बताया है आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो रेट होता है, यानी दर जो होता है, प्रतिशत दर का हम होल वैल्यू निकालते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट में हम प्रतिशत ब्याज का होल वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, आपको चक्रवृद्धि ब्याज में होल वैल्यू हमको निकालना है दर प्रतिशत का। तो यहाँ 6% हमको आया है, 6% मतलब प्रतिशत मतलब 100/100, तो 6/100, तो यहाँ 3 × 2 = 6, 50 × 2 = 100, यानी 3/5 का हम होल वैल्यू निकालेंगे, तो 50 को 3 में जोड़ के लिखेंगे तो 50/53/50 हो जाएगा, 50 × 3 = 53/50 हो जाएगा। अब यहाँ पे मूलधन दिया है तो निकालना क्या है हमको, मिश्रधन निकालना है। मूलधन दिया है तो मिश्रधन निकालना है, तो हमने आपको मिश्रधन निकालने के लिए बताया था कि मिश्रधन निकालने के लिए आपको मूलधन में सीधा गुना होल वैल्यू का कर देना है। अगर आपको मिश्रधन दिया है, मूलधन निकालना है, तो आपको मिश्रधन में होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है। उल्टा गुना का मतलब होता है 50/53 करके गुना करना है, लेकिन हमको यहाँ मिश्रधन निकालना है, तो इसीलिए हम सीधा गुना इसको करेंगे, और उतना टाइम गुना करेंगे जितना टाइम दिया हुआ रहेगा। तो समय आपको कितना आ गया, 2 बरस समय आ गया है, 2 बरस समय आया है, तो समय आपको 2 बरस है, तो 2 बार गुना करेंगे सीधा, 53/50 × 53/50, तो यहाँ आपको कटा दीजिए, 0 से 1 0 कट गया, 5 से 125, 12 में 625 कट गया, यानी 125 × 5 = 625, और उसके बाद ई 5 से आपको कट गया, हाँ यहाँ हो गया आपको 10 × 5 = 50, यहाँ 25 × 5 = 125, तो यहाँ 25 53 53 को गुना कीजिए तो आपको 70,225 आ गया, 10 आ गया, और यहाँ पे 10 है तो 0.1 अंक के बाद लगा दीजिए, 10 से भागा दीजिएगा तो 0.1 अंक के बाद हो जाएगा, तो यानी 7,000 आपको 22.5 जो हो जाएगा वह आपका मिश्रधन हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो सिंपल सी बात है, ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से मूलधन को घटा दीजिए। अरे मिश्रधन जो है आपका आया हुआ, उसमें से मूलधन को घटा दीजिएगा तो ब्याज निकल जाएगा,
तो मिश्रधन आपका है 7022.5, मूलधन आपका था 6,250, तो 6,250 को घटा दिया हमने तो 772.50 पैसा आपका जो है वह ब्याज आ गया। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 40,000 रुपया की राशि 5% की दर पर 2.25 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, समय की समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 40,000 रुपया की राशि 5% की दर पर 2.25 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, समय की समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे हम, देखिए इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि 40,000 रुपया की राशि 5% की दर पर आपको 2.25 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है। तो यहाँ पे जो 2 बरस है, 2 बरस के लिए दिया गया है, तो इसको हम CI की तरह निकाल लेंगे, और 2/5 जो दिया हुआ है आपका, वह आपको जो है SI के केस की तरह निकाल लेंगे। ठीक, क्योंकि आपको 1 बरस का जो ब्याज होता है वह साधारण ब्याज के बराबर होता है। CI का जो 1 बरस का ब्याज होता है वह साधारण ब्याज के बराबर होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 बरस है, तो 2 बरस सबसे पहले हम 5% यानी जो प्रतिशत दर है उसका निकाल लेते हैं, होल वैल्यू। तब चूंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज के केस में प्रतिशत दर प्रतिशत का हम निकालते हैं होल वैल्यू, तो इसीलिए इसका निकालेंगे। तो आपको 5% का हो गया कितना, 5/100 यानी कि 20/25 यानी 1/20, और इसमें जोड़ देंगे 20 में 1 को, तो 21/20 जोड़ के इसलिए लिखेंगे क्योंकि ब्याज हमेशा बढ़ता है। उसके बाद आपको 21/20 आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपको पूछा क्या था क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज राशि कितनी होगी। मिश्रधन निकाल के मूलधन घटा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन निकालना है, तो इसको सीधे गुना करेंगे और उतना बार गुना करेंगे जितना टाइम दिया हुआ है। तो 2 बरस यहाँ दिया हुआ है समय, तो 2 बरस देन 2 बार सीधा गुना कर देंगे मूलधन में। तो 40,000 × 21/20 × 21/20, अब बच गया कितना, 2/5 बरस, 2/5 बरस बच गया। तो ये 2/5 बरस इसको SI के केस की तरह निकालेंगे। तो SI में क्या करते हैं हम, प्रतिशत ब्याज का हम होल वैल्यू निकालते हैं। तो प्रतिशत ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, R×T, प्रतिशत ब्याज का फॉर्मूला R×T। तो R आपको दिया हुआ है 5%, और T दिया हुआ है 2/5। तो 2/5 से 5 में गुना कर दीजिए, तो 5 से 5 कट गया 2, यानी 2% आपका प्रतिशत ब्याज आ गया। प्रतिशत ब्याज जब आपका आ गया तो इसका होल वैल्यू निकाल दीजिए, तो 2% का मतलब 2/100, तो 2 से 100 आप कटा दीजिए तो 1/50 हो गया। अब इसका होल वैल्यू यानी 50 को 1 में जोड़ के लिखिएगा तो आपको 51/50 हो जाएगा। अब इसको आप क्या कीजिए कि 1 बार गुना कर दीजिए इसमें, तो आपको 51/50 कर दीजिए। अब इसके बाद 3 जीरो से 3 जीरो कटा दीजिए टोटल, और 2 दुनी के 4, इसको कटाइएगा तो चल जाएगा आपको 2 दुनी के 4 5 6 20, हाँ 20 आ गया। तो 20 दुनी 40, 2 बार में कटा दीजिए इसको। तो इस तरह से आपको 2 × 21 × 21 × 51 हो गया। अब इसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 44,982 रुपया। अब 44,982 रुपया क्या है, मिश्रधन है। हम जानते हैं कि मिश्रधन में से अगर मूलधन को हम घटा देंगे तो हमको ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो मिश्रधन आपका आ गया 44,982 रुपया, मूलधन आपका था 40,000 रुपया। तो मूलधन है ना 40,000 रुपया, तो इसी मिश्रधन में से मूलधन को घटा दीजिएगा तो आपको 4,982 रुपया जो है ब्याज प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 4% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया का 2 बरस में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 4% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया का 2 बरस में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले मेथड से बना लीजिए। पहले मेथड से हमने क्या बताया था आपको कि ये आपका पहला मेथड था कि SI आ दशमलव, उसके बाद आपका था SI × R R² आ 2 अंक के बाद दशमलव, यही ना था। तो आप कर लीजिए, इससे भी करिएगा तो आपको आ जाएगा 4%। आपको देखिए दर दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए तो आपको 16 आ गया। और 16 यानी कि 16 लिख लीजिए, आ उसके बाद
आपको करना ये है कि दो अंक के बाद दशमलव दे देना है, तो दशमलव दे दीजिए यहाँ पे। और उसके बाद आपको है एस आई इंटू आर, तो एस आई कितना दिया हुआ है आपका, एस आई का मतलब आर इंटू टी, तो आर कितना दिया है 4, आर टी दिया है 2, यानी 4 दूनी 8, फिर आर से गुना कर दीजिए, यानी 8 चौके 32, यानी 32, यानी 2 आपको लिख देना है और अंक, है ना। तो आपको 2 अंक और लिख दीजिए, सॉरी मैंने आपको जो बताया वो आपका फॉर्मूला होता है एस आई प्लस आर स्क्वायर, एस आई प्लस आर स्क्वायर होता है आपका फॉर्मूला, जिससे कि आप निकाल सकते हैं सी आई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे आपको निकलेगा, ये फॉर्मूला में आपको आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, ये आर दिया हुआ है तो आपको निकाल लेना है, ये हो जाएगा आपका 16। तो 16 के बाद आपको 4 चौके 16 दशमलव दे देना है 2 अंक के बाद, दाहिने से देना है, ठीक। ध्यान दीजिएगा ऐसा ही होता है आर इंटू टी, तो आर आपको दिया हुआ है 4, और टी दिया हुआ है 2, तो 4 दुनी 8, यानी 8.16% आपको सी आई आ गया। तो आपको मूलधन दिया हुआ है कितना, 500, 500 रुपया मूलधन दिया हुआ है, तो आपको 500 का 8.16% निकाल दीजिए, तो यानी 8.16% का मतलब कि 8.16/100, तो यानी 0 से 0 कट गया, आप 5 से 8.16 में गुना कर दीजिएगा, तो आपको 5 6 का 30, आप 5 1 5 3 8, 8 5 40, यानी 40.80 आ गया आंसर। और जो इससे पहले मैं आपको बता रहा था वो 3 बरस का फॉर्मूला था, सॉरी मिस्टेक से हो गया, तो ध्यान दीजिएगा 2 बरस के लिए फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया है वो 3 बरस का फॉर्मूला था। तो अब दूसरा तरीका देखिए इसको, दूसरा तरीका में आपको है कि प्रतिशत आपका जो दिया हुआ है 4%, तो 4% आपको यहाँ पे है, तो 4% का होल वैल्यू निकाल लीजिए, चूंकि हम सीआई के केस में दर प्रतिशत का होल वैल्यू निकालते हैं, तो 4% का होल वैल्यू, यानी 4/100, तो यानी 25 चौके 100, तो 1/25, इसको जोड़ दीजिएगा तो आपको 26/25, क्योंकि ब्याज बढ़ता है इसलिए जोड़ के लिखते हैं। अब उसके बाद आपको 500 का निकाल लीजिए, 500 का आपको कितना, आपको मिश्रधन होगा, तो 500 का मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे, 26/25 को जितना समय दिया है उतना बार गुना कर देंगे मूलधन में, तो 26/25 × 26/25 से गुना कर दिए 500 में, तो आपको 25 से 500 कट गया 20 बार में, तो 20 × 26 × 26 / 25 हो गया। इसको सोल्व कीजिएगा तो 20 × 676 को यदि आप गुना कीजिएगा तो 13,520 आएगा बट्टा में 25, उसके बाद इसको भाग कीजिएगा तो 5408 आएगा, और उसके बाद आपको 5408 में से सॉरी आपको दशमलव, यानी यहाँ छूट गया था, तो आपको हो जाएगा 540.8 आएगा, सॉरी 540.8 आएगा, तो 540.8 आपका मिश्रधन आ गया, तो 540.8 में से 500 घटा दीजिए, तो आपको जो ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया 40.80। तो देखिए दोनों के केस में समान आ रहा है, लेकिन आपको आसान जो पड़ता है वो आप उचित आप बना लीजिएगा अपना। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो 16,000 रुपया 10 वर्ष 10% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के उपरांत कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो 16,000 रुपया 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको 2 बरस के उपरांत कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक बोल दिया, अर्धवार्षिक बोल दिया, तो हम टाइम और रेट दोनों को नए सिरे से मान निकाल करके बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि छमाही अगर आपको दिया हुआ है तब 12 में 6 से भागा कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2, अगर सतमाही दिया रहेगा तो 12 में 7 से भागा होगा, अगर अठमाही दिया हुआ रहेगा तो 12 में 8 से भागा होगा, यदि आपको नमाही दिया है तो 12 में 9 से भागा होगा, तिमाही दिएगा तो 12 में 3 से भागा होगा, 3 से 12 कटाइएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, तो छमाही दिया हुआ है तो यानी 12 में 6 से आप भाग कर दीजिए, आया कितना आपको 2, और जितना आपको आया उतना में आपको क्या करना है, रेट में भाग कर देना है, यानी 2 आया आपको तो आपको रेट आपको कितना था, रेट आपको था 10%, तो 10 में 2 से भागा कर दीजिए तो 5% रेट आ गया, और टाइम में 2 से गुना कर दीजिए तो टाइम आपको था यहाँ कितना 2 बरस, तो 2 बरस में 2 से गुना कर दिए तो 4 बरस हो गया। अब इस तरह से आपको 5% रेट हो गया और 4 बरस आपका टाइम हो गया, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए रेट का आपको होल वैल्यू निकालना पड़ता है, तो रेट का होल वैल्यू निकाल लीजिए,
5/100 यानी 20/25 यानी 1/20, इसको जोड़ के ऊपर लिख दीजिए क्योंकि ब्याज जो होता है बढ़ता है, 21/20 हो गया होल वैल्यू। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको मिश्रधन, यानी अब मिश्रधन आपको निकालना है। तो यहाँ पे समय आपका है 4 बरस, तो 4 बार इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 4 बार आप गुना कर दीजिए 16,000 में। तो 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20, और इस तरीके से आपको निकल के आ जाएगा 18,522। चूँकि यहाँ 3 ही बार गुना है तो मैंने ये मिस्टेक कर दिया है इसमें, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 बार गुना करिएगा और उसके बाद जो भी आपका कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, वही आपका जो है मिश्रधन आ जाएगा, यानी मिश्रधन आपको मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो आप कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपको मिल सके। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।